हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज देखते हैं राजमा पुलाव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल लिया था, उसमें प्याज, टमाटर, तमालपत्र, पत्ता ये सब मैंने डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके लिया। फिर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक इसका पेस्ट बनाकर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये जो मसाला है उसमें प्याज, टमाटर और एक मैंने आलू के चार टुकड़े करके डाला था, इसको अच्छे से मैंने फ्राई करके लिया है। ये देखिए, ये जो राजमा की फलियां होती है इसमें से मैंने ये राजमा निकाल लिया है। राजमा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत सारी पाई जाती है। राजमा में आयरन भी बहुत होता है, इसलिए ये हमें ताकत देने का काम करता है। एक कप राजमा में 564 कैलोरीज पाई जाती है, तो इसलिए हम इसको हेल्दी डिश कह सकते हैं। तो देखिए, ये मसाला अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच किचन किंग मसाला डाला है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो कोई भी जो हम घर पे यूज़ करते हैं, काला मसाला, बेडिकर मसाला, वो आप डाल सकते हो, या चिकन मसाला या मटन मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये मैंने चावल धो के रखे थे वो इसमें मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आंबे मोहर चावल लिए हैं, आप कौन से भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो, बासमती भी अगर चावल लोगे तो इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने गरम पानी डाला है। गरम पानी से क्या होता है, हमारा जो मसाला है वो गरम है, और अगर हम लोग ठंडा पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा बनने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए गर्म पानी डालना है। फिर स्वाद अनुसार नमक डालिए, बस अच्छे से इसको सौते करके लीजिए। इसके बाद हमें यह ढक के 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट में हमारे ये चावल जो है अच्छी तरह से पक जाएंगे, उसके साथ राजमा भी पक जाएगा, इसमें आलू डाला है वो भी पक जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ये इस पुलाव को। राजमा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे सभी गुण तत्व है, तो इसलिए आप ये ज़रूर खाइए। तो देखिए, ये मेरा पुलाव अच्छे से रेडी हो चुका है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। इसके साथ आप कुछ रायता, पापड़ के साथ इसको सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।